दिल्लीवासी इस साल भी दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने पटाखे बैन लगाने से जुड़ी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में पटाखों के बनाने, स्टोरेज, बिक्री और फोड़ने पर आज यानी 14 अक्टूबर से 1 जनवरी तक के लिए बैन लगा दिया गया है। बता दें कि दीपावली के मौके पर एयर क्वालिटी खराब ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी द्वारा पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण का कारण एक दिन के पटाखे फोड़ने का नहीं है, यहाँ पर प्रदूषण का कारण पंजाब की पराली है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने बोलना बंद कर दिया है। दिवाली पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध 1 जनवरी तक लगाया गया है, लेकिन उनके नेता जब सशर्त जमानत पर बाहर आते हैं तो उनके लिए पटाखे मिलते भी हैं और वे पटाखे प्रदूषण रहित होते हैं। आम आदमी पार्टी एक हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी पार्टी, और उनका गठबंधन भी उसी प्रकार का है कि दिवाली पर तो पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है पटाखों पर 1 जनवरी तक, परंतु जब उन्हीं के नेता कंडीशनल बेल से बाहर आते हैं, शराब घोटाले में लिप्त हैं, तो उनके लिए फटाखे बजाना, तो वो फटाखे सेकुलर भी होते हैं और वो फटाखे नॉन पोल्यूटिंग भी होते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का असली कारण फटाखे नहीं है जो एक दिन चलते हैं। यहां पर जो प्रदूषण का कारण है, जो अरविंद केजरीवाल बताते थे, पंजाब की पराली, अब उस पर बोलना चुप हो गए क्योंकि डीकम्पोजर तो काम नहीं किया। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जिस पर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। व्हीक्यूलर पोल्यूशन, रोड डस्ट, बायोमास बर्निंग, जो मुख्य कारण है, उस पर 10 साल कुछ नहीं किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने। केवल केंद्र की सरकार ने मदद की है फ्लाईओवर बनवाकर या इंफ्रास्ट्रक्चर देकर या एक्सप्रेसवे देकर या मेट्रो देकर, पर आज अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी उसी सनातन समाप्ति हिंदू विरोधी एजेंडे पे चल रहे जिस पर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस चलता है। भाई एक बोलता है सनातन समाप्त, एक बोलता है सनातन बीमारी, इनके नेता बोलते हैं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए थी, कोई बोलता है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना, और राम जी के आगमन पर जो फटाखे फूटेंगे, हिंदू एक बार साल में जलाता है फटाके, उस पर भी प्रतिबंध, पर दूसरे पर्वों पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। ये उनकी द्वयम दृष्टि, दोहरे मापदंड को दर्शाता है।